दोस्तों Vivo V17 जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है जिसमें आपको डुअल पर्पस सेल्फी कैमरा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर क्वाड रियर कैमरा और साथ में स्नैपड्रैगन का 712 चिपसेट देखने को मिलने वाला है। तो क्या है इसी स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशंस ऑफिशियल प्राइस और ऑफिशियल लॉन्च डेट हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन के। तो पॉलीकार्बोनेट का बैक इसमें देखने को मिलने वाला है जो कि ग्लॉसी ग्रेडियंट बैक फिनिश के साथ आएगा। साथ में इसके फ्रंट में एक डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है और इसके साथ रियर में क्वाड रियर कैमरा भी मिलने वाला है। अगर बात कर लेते हैं इसके फ्रंट साइड की तो 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा जो कि गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ आएगा। साथ में इसका रेजोल्यूशन जो है वो HD प्लस यानी कि सुपर एमोलेड में 1080x2340 होने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तो स्नैपड्रैगन का 712 चिपसेट देखने को मिलने वाला है जो कि फोन टच OS और एंड्रॉइड पाई के सपोर्ट के साथ आएगा जैसा कि आपको Vivo Z1 Pro में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। इसकी GPU 616 होगी जो कि ऐसी ही है जैसा कि Z1 Pro में आपको दिया गया था। इसके साथ अगर RAM वेरिएंट की बात करें तो दो RAM वेरिएंट है 4GB 64GB एंड 6GB 128GB। अगर बात करें इसके कैमरास की जो इसका मेन सेलिंग पॉइंट होने वाला है तो 48 MP का इसका मेन सेंसर देखने को मिलने वाला है। उसके साथ ही 13 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस साथ में 8 MP का एक टेलीफोटो लेंस और उसके साथ 5 MP का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है जो कि क्वाड रियर कैमरा को सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। इसके साथ बात करें अगर इसके फ्रंट कैमरा की तो डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है जिसका प्राइमरी रेजोल्यूशन 32 MP होगा और सेकेंडरी रेजोल्यूशन 8 MP होगा जो कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है जिसके कारण इसका सेल्फी काफी यूनिक बन जाता है दूसरे स्मार्टफोन से। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी की। तो 4000 mAh की बैटरी 18 W के फास्ट चार्जिंग के साथ आएगी जिसमें कि आपको 3.5 mm जैक और साथ में टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही अगर प्राइसिंग की बात करें तो इंडिया में इसका बेस वेरिएंट का प्राइस 4GB 64GB करीबन 16,000 से 17,000 होने वाला है। इसी प्राइस रेंज के अंडर में आपको 712 का प्रोसेसर साथ में डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा इसके साथ ही क्वाड रियर कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि इस स्मार्टफोन में कभी किसी प्राइस रेंज में नहीं मिला था। तो कैमरास के मामले में ये स्मार्टफोन बहुत ही दासू परफॉर्मेंस देने वाला है। फाइनली बात कर लेते हैं अगर इसके लॉन्च डेट की तो लीक्स एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग इंडिया में ये स्मार्टफोन दिवाली तक आ सकता है बट मुझे ऐसा चांस लगता है कि मे बी अक्टूबर से नवंबर के मिड तक ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है। यही था दोस्तों इसी स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन प्राइसिंग लॉन्च डेट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं। साथ में तब तक के लिए गुड बाय हैव अ ग्रेट डे एंड कीप